हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है कौशल स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की स्टूडियो क्लास में मैं आप सभी को मैथ के ऐसे क्वेश्चन को बताने वाला हूं जो आपके एनटीपीसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कहता है कि यदि ए प्लस बी बराबर 35 हो और ए बी बराबर 300 है तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अगर आप इसे बेसिक से सॉल्व करते हैं तो काफ़ी समय इसमें लग जाएगा, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर लॉजिक लगाना है और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। कैसे, तो देखिए यहाँ पर a प्लस बी का मान कितना दे रखा है, 35 दे रखा है, और a इंटू बी का मान कितना दे रखा है, 300 दे रखा है। तो हमें ऐसा संख्या यहाँ पर मानना होगा a और b कि जोड़ने पर 35 आना चाहिए और गुणा करने पर 300 आना चाहिए। तो एक ही वह संख्या है, वह कौन सा संख्या है, 20 और 15। 20 और 15 को आप अगर प्लस करते हैं तो 35 हो जाएगा, अगर आप इसे गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ठीक है, तो अब कहता है कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो अंडर रूट में ए स्क्वायर, तो ए को हमने क्या माना है, 20 माना है, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में आपका बी, तो बी हो जाएगा 15, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 20 का स्क्वायर होता है आपका 400 और 15 का स्क्वायर होता है आपका 225। जब आप इसे प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 625, और 625 को जब आप बाहर निकालेंगे रूट से तो आपका 25 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सो ऑप्शन ए आपका सही है। तो इस तरह से जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, कहता है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई के बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा सेंटीमीटर में। अब देखिए, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, इसका थोड़ा सा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए तो ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr इंटू एच प्लस आर। अगर ये आपको याद रहा तो ये क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, 2 है तो 2 रहने दीजिए, पाई का मान कितना होता है, 22/7, तो 22/7 हम यहाँ पर लिख देते हैं। आर, आर क्या है आपका, रेडियस है यानी त्रिज्या है, तो त्रिज्या यहाँ आपका दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो 7 आप यहाँ पर दे दीजिए। फिर आपका ब्रैकेट में है एच प्लस आर यानी ऊँचाई है और रेडियस है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊंचाई आपका है 15 सेंटीमीटर और रेडियस है आपका 7 सेंटीमीटर। जब आप इसे प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, और यहाँ पर इनटू में है तो ये आपका गुना हो जाएगा 7, फिर आपका 22/7 है और फिर इनटू आपका यहाँ पर 2 है, तो ये 7 से 7 आपका कैंसिल हो जाएगा। और इसको अगर आप गुना करते हैं 22 को 22 से तो कितना हो जाएगा, 484 हो जाएगा। ठीक है, और इनटू अगर आप 2 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 को जब 4 से गुना करेंगे तो 8 होगा, 8 को जब 2 से गुना करेंगे तो 16 होगा कैरी 1, और जब 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 और 1 9, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 968, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही होगा। तो एक यहाँ पर ज़्यादा टाइप हो गया है, सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, यदि 64 h 53 × 2 = 13 और 13 h 7 × 1 = 7 है तो 4 h 8 × 19 = क्या होगा। तो आराम से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको यहाँ पर लॉजिक फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि छोटा वाला ही लेते हैं, 13 है, h है आपका 7 है, गुना 1 है और बराबर में आपका 7 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर 7 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप लॉजिक लगा सकते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं कि 13 और प्लस अगर हम 7 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 20 में जब हम -1 करेंगे तो यहाँ पर 19 हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक हम कर सकते हैं कि 13 माइनस अगर हम यहाँ पर 7 करें तो कितना हो जाएगा, 13 में से 7 जाएगा तो आपका 6 बचेगा, और 6 और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इस गुना के जगह पर हम प्लस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, +1, तो बराबर में आपका 7 आ जा रहा है। ठीक है, तो उसी तरह से हम इसमें भी लगाते हैं लॉजिक। तो 64 है आपका, 53 है, फिर आपका 2 है और बराबर में आपका 13 है। तो हमने क्या किया था कि h की जगह पर हमने क्या किया था,
माइनस रखा था और फिर यहाँ पर हमने प्लस रखा था। तो देखिए 64 में से आप 53 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 4 11, 11 इधर बचेगा और प्लस आपका 2 है, तो 11 और 2 कितना होता है, 13 होता है, 13 बराबर 13 आपका आ गया। ठीक है, तो यही लॉजिक अब आपको इसमें फिट करना है। तो 4 है यहाँ पर, हच दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम माइनस करेंगे और 8 देंगे, यहाँ पर इंटू है तो इंटू के जगह पर हम क्या करेंगे, प्लस देंगे, और उसके बाद 19 है तो हम यहाँ पर 19 देंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर अगर 4 में से आप अगर यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो छोड़िए घटाने से अच्छा है कि हम यहाँ पर प्लस कर लेते हैं। तो 19 और 4 होगा 23, 23 में जब आप 8 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 15 होगा। सो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही है, 15। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, कहता है कि यदि एक ट्रेन की लंबाई 80 मीटर, प्लेटफॉर्म की लंबाई 220 मीटर और ट्रेन की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। अब देखिए ये आपका ट्रेन है, ठीक है, इसका चाल आपको दे रखा है कितना, 54 किलोमीटर बराबर है, और इसका जो लेंथ है कितना है, 80 मीटर इसका लेंथ है। एक प्लेटफॉर्म है, इतना बड़ा आपका प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म का जो लंबाई है कितना है, 220 मीटर इस प्लेटफॉर्म का लंबाई है। तो हमने आपको बोला है कि जब भी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करती है तो क्या होता है, ट्रेन का लंबाई प्लस इस प्लेटफॉर्म का लंबाई आपस में प्लस हो जाता है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों का लंबाई आपस में हम प्लस करेंगे, तो ये है आपका 220 और प्लस 80, तो कितना हो गया, 300 हो गया, अब 300 मीटर हो गया। अब जो है इस दूरी को कितने किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कवर किया जाएगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कवर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर रुकिए, ये आपका मीटर में है और ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इससे हम क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। तो कैसे, तो 5/18 से गुना करके, तो 18 से जाएगा ये 3 बार में, 5 को जब 3 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 15। अब इस 300 को 15 से डिवाइड करते हैं तो कितने बार में जाएगा, 20 बार में जाएगा। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 सेकेंड। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, कहता है कि किसी परीक्षा में सोनी अधिकतम अंकों का 40% प्राप्त की, फिर भी 7 अंकों से अनुत्तीर्ण रही। यदि वह वर्तमान अंकों से 10% अधिक अंक प्राप्त की होती तो उसे मात्र उत्तीर्ण अंक प्राप्त हो जाते। परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। अब देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि पहले वाला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन वो नहीं है जो आप सॉल्व करते हैं, ये थोड़ा सा नया टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में लाया गया है, तो इसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो आप देखिए। यहाँ पर तो सबसे पहले आपको जो अधिकतम अंक का जो है यहाँ पर मानना है, कितना मानना है, 100 A मानना है, ठीक है, 100 नहीं मानना है, 100 A मानना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सोनी अभी प्रेजेंट में कितना अंक लाई है, 40% अंक लाई है, तो कितना अंक लाई है, 100 A का 40% आपका हो जाएगा 40 A। मैं यहाँ पर आपको पूरा बेसिक से समझा रहा हूँ, 40 A अंक लाई है लेकिन 7 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई है, यानी फेल हो गई है। तो हम क्या करते हैं, इस 40 A में प्लस हम 7 कर देते हैं, ठीक है। कहता है उसके बाद कि यदि वह वर्तमान अंकों से 10% अधिक अंक लाती तो क्या होता, कि वह मात्र उत्तीर्ण जितना होता उतना नंबर से वो पास होती, ठीक है। तो देखिए अभी कितना लाई है, 40 A लाई है, अगर इसका 10% और ज़्यादा लाती तो 40 का 10% कितना हो जाएगा, सिर्फ 4 A हो जाएगा, यानी कि अगर ये 44 A लाती तो कितना के बराबर हो जाता, 40 A प्लस 7 के बराबर हो जाता, ठीक है। तो अब देखिए ये जो 40 A है आपका उस साइड चल जाएगा, तो कितना बचेगा, 4 A बचेगा और बराबर में आपका 7 है, तो A बराबर आपका हो गया 7/4। आपने यहाँ पर टोटल जो अंक है कितना माना था, 100 A माना था, तो A के जगह पर हम क्या करते हैं,
सात बटा चार को रख देते हैं तो चार से जाएगा ये कितने बार में, 25 बार में। जब 25 को आप सात से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा, यानी कि इस परीक्षा में जो कुल अंक है कितना है, 175 है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं और ये वाला क्वेश्चन तो आपके एग्ज़ाम में रहेगा ही रहेगा। अगर कहीं पर किसी क्वेश्चन में डाउट हुआ हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, इस वीडियो को अपने फेसबुक पर ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।